दोस्तों आज हमारे पास है Realme X और Realme 3 Pro और आज इन दोनों का एक फुल कैमरा कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर की है और आपको बताएंगे कि दोनों फ़ोन में से किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है। वैसे Realme X में हमें 48+5 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें जो मेन सेंसर है वो है सोनी IMX586 का और इसमें आपको 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। जबकि Realme 3 Pro की बात करें तो इसमें आपको 16+5 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है और 25 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में कि किसके कैमरे में है कितना दम। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा से, आप क्वालिटी देख सकते हैं। मैं ऑडियो भी आपको स्विच करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ऑडियो आपको किस में ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा। और मैं जो है आपको थोड़ा सा घूम के भी दिखा रहा हूँ चारों तरफ, ताकि आपको पता चले कि किस में बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा में। और अगर मैं थोड़ा सा भाग के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेबलाइजेशन कैसा है फ्रंट में। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं लो लाइट में और आप देख सकते हैं लो लाइट में किस में आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखाऊं और आहिस्ता आहिस्ता लाइट की तरफ जाऊं तो आप देख सकते हैं क्वालिटी किस में ज़्यादा बेटर लग रही है। सेल्फ़ी की बात करें तो दोनों फ़ोन से आप काफ़ी अच्छी सेल्फ़ी ले सकते हैं और यहाँ पे अगर मैं दोनों फ़ोटो की बात करूँ तो दोनों फ़ोटो आप देख सकते हैं, दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है। दोनों की फ़ोटो जो है ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लग रही है और डिटेलिंग भी दोनों में काफ़ी इनफ है, ऑलमोस्ट आपको सेम तरह की डिटेलिंग दोनों फ़ोन में मिल जा रही है। लेकिन कभी कभी होता है दोस्तों कि Realme X का फ़ोटो जो है थोड़ा सा बेटर आ जाता है, कभी Realme 3 Pro का फ़ोटो बेटर आ जाता है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लग रही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है दोनों के फ़ोटो में नहीं लग रहा है। अगर पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम है, ऑलमोस्ट पिक्चर जो है जितने भी मैंने क्लिक किए हैं सभी में मैंने देखा कंपेयर करके कि दोनों ही फ़ोटो जो है ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है देखने को नहीं मिल रहा है। कभी Realme X की फ़ोटो कोई अच्छी आ जाती है तो कभी जो है Realme 3 Pro में हमें थोड़ी सी अच्छी फ़ोटो देखने को मिल जाती है। और एज डिटेक्शन की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट दोनों में हम लोग को सेम देखने को मिलती है और एज डिटेक्शन में भी कोई खास फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ दोस्तों आप बताइए मुझे कि आपको कौन सी फ़ोटो ज़्यादा बेटर लग रही है। अगर लो लाइट सेल्फ़ी की बात करें तो दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको सेल्फ़ी कैमरा तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी सामने निकल के आती है दोस्तों वो हमें Realme 3 Pro का ज़्यादा बेटर लगा। अब ये फ़ोटो आप देख सकते हैं काफ़ी कम लाइट में लिया गया है, यहाँ पे भी मुझे Realme 3 Pro का थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब वही फ़ोटो जो है दोस्तों स्क्रीन फ्लैश को ऑन करके लिया गया है तो आप देख सकते हैं डिटेलिंग जो है काफ़ी बेटर लग रही है दोनों फ़ोन में, लेकिन यहाँ पे भी Realme 3 Pro जो है थोड़े से ज़्यादा डिटेलिंग कैप्चर कर रहा है और पिक्चर जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी बेटर लग रही है लो लाइट में Realme 3 Pro की। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों फ़ोन के रियर कैमरा से, अभी लगभग शाम होने को है और आप देख सकते हैं दोनों में किस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। सनसेट हो रहा है तो सनसेट का भी थोड़ा सा हम लोग को दिख रहा है। क्वालिटी की अगर बात करूं तो रियर कैमरा जो है Realme X का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। मैं थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन भी आपको चेक करके दिखाता हूं, मैं भाग रहा हूं। फोकस की बात करें तो दोनों फ़ोन जो है फोकस भी काफ़ी जल्दी से लॉक कर लेते हैं, लेकिन हाँ जो क्वालिटी है वो आपको बेटर Realme X में देखने को मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को लो लाइट में और ये रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है दोनों फ़ोन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस में किस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हैं क्वालिटी दोनों में आपको अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी रात को मिल जाता है। दोनों फ़ोन से आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कैप्चर कर सकते हैं 120, 240 और 960 FPS पे। ये वीडियो मैंने 240 FPS पे लिया है। वेल दोनों वीडियो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, कोई खास फ़र्क मुझे नहीं लगा है दोनों की क्वालिटी में और डिटेलिंग जो है दोनों में लगभग सेम ही लग रही है। आप दोनों फ़ोन से जो है काफ़ी अच्छे 120 FPS और 240 FPS और 960 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्लो मोशन वाला, और मैं आगे चल के जो है आपको 960 FPS वाला भी वीडियो सैंपल दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि 960 FPS किसका ज़्यादा बेटर है।
वैसे मुझे दोनों में जो है सेम ही क्वालिटी लग रही है। अब ये कुछ क्लोज शॉट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे मैक्रो शॉट्स ले सकता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो वो हमें मच बेटर लगी है Realme X में Realme 3 Pro के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो कैमरा सेंसर है दोस्तों वो ज़्यादा पावरफुल है और वहाँ पर जो क्वालिटी आती है दोस्तों वो Realme 3 Pro से काफ़ी बेटर आती है। अब ये फ़ोटो देखिए रियर कैमरा से लिया गया है Realme X में। आप देख सकते हैं स्काई बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है और बादल भी काफ़ी अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं, जबकि हम Realme 3 Pro की बात करें तो यहाँ पे स्काई जो है पूरा वाइट वाइट लग रहा है। तो जो डिटेलिंग है दोस्तों वो Realme X की काफ़ी बेटर है रियर कैमरा में। वैसे ही दोस्तों बाकी सभी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी हर जगह Realme X की जो फ़ोटो हैं उसमें डिटेलिंग मच बेटर है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है और डायनेमिक रेंज जो है वो भी काफ़ी अच्छा जो है Realme X कैप्चर कर रहा है। वैसे रियर कैमरा में क्लियरली Realme X विनर है, लेकिन आपको जो है Realme 3 Pro निराश नहीं करेगा, उसका भी रियर कैमरा काफ़ी अच्छा है। दोनों ही फ़ोन में दोस्तों आपको क्रोमा बूस्ट का फीचर मिलता है जो आपकी फ़ोटो के कलर को और भी इन्हेंस कर देता है और थोड़ा सा बूस्ट कर देता है कलर को, जो दिखने में थोड़ा सा आई कैचिंग लगता है। अब रियर कैमरा पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ की बात करें तो ये कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो डिटेलिंग है वो मुझे मच बेटर लग रही है Realme X की और जो फ़ोटो है वो थोड़े से ज़्यादा शार्प आ रहे हैं, डिटेलिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो रियर कैमरा जो है दोस्तों, चाहे हम पोर्ट्रेट बात करें या फिर नॉर्मल बात करें, तो दोनों में मुझे Realme X का ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब अगर लो लाइट की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको नाइट मोड मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन से जो है आप काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं और दोनों ही फ़ोन का जो कैमरा है दोस्तों वो आपको निराश नहीं करेगा। दोनों ही की क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लगी, लेकिन हाँ अगर आप जूम करते हैं ना तो वहाँ पर डिटेलिंग जो है Realme X की थोड़ी सी ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो बस दोस्तों ये था हमारा फुल कंपैरिजन कैमरा का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि दोनों में किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में दोस्तों दोनों ही फ़ोन के कैमरा काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं रियर कैमरा की बात करूँ तो रियर कैमरा में दोस्तों क्लियरली विनर है Realme X और Realme X में फ़ोटोज़ की डिटेलिंग, उसके बाद जो फ़ोटो की क्वालिटी आती है वो मच बेटर हम लोग को देखने को मिलती है। वैसे आपका Realme 3 Pro जो है ये भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो ले लेता है, लेकिन दोस्तों दोनों ही फ़ोन जो है आपको निराश नहीं करेंगे। Realme X यहां पे कैमरा के मामले में मैं समझता हूं कि विनर है। बाकी दोस्तों आप बताओ आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा लगा और आपके पास कौन सा फोन है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।